हमारे हिंदू धर्म के अनुसार साल भर में हम चार नवरात्रे मनाते हैं, उनमें दो मुख्यतम है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है कि हमें साल भर में दो बार नवरात्रि मनानी पड़ती है। राधे राधे, मैं हूँ रक्षा किशोरी और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चैत्र नवरात्रि का बहुत ही पावन पर्व चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार साल भर में हम चार नवरात्रि मनाते हैं, उनमें दो मुख्यतम है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में क्या अंतर है, दोनों में क्या भेद है कि हमें साल भर में दो बार नवरात्रि मनानी पड़ती है, आइए जानते हैं इसका भेद इस वीडियो के माध्यम से। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक महिषासुर नाम का दैत्य हुआ था। उस महिषासुर दैत्य ने इतना भयंकर आतंक फैलाया कि पूरे त्रिलोकी में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। वो इतना शक्तिशाली था कि सभी देवता उसके डर से मारे मारे फिरने लगे। किसी भी देवता में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसका सामना कर पाए। तब सभी देवताओं ने माँ पार्वती को प्रार्थना की, उनकी आराधना की और उनसे याचना करते हुए कहा कि हे माँ, हम सबकी रक्षा कीजिए, इस त्रिलोकी की रक्षा कीजिए। तब माँ पार्वती ने सभी देवताओं के अनुरोध करने पर अपना स्वरूप 9 रूपों में विस्तार कर दिया। इस चैत्र नवरात्रि के समय माँ भगवती ने 9 रूपों के रूप में जन्म लिया था, इसीलिए इस नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना की जाती है। एक दूसरा कारण ये भी है कि रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, उनका अवतार हुआ था, इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती के प्रागट्य की और श्री राम जन्म की इस उत्सव को हम सब मनाते हैं नवरात्रि में। दूसरा आता है अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि। ये नवरात्रि माँ शक्ति की आराधना का बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती ने 9 रूप धारण करके जन्म लिया था, एक एक करके उनका अवतार हुआ था, और शारदीय नवरात्रों में माँ भगवती ने उस महिषासुर के साथ युद्ध किया था, और युद्ध करने के बाद उस महिषासुर का माँ भगवती ने अंत भी किया था। चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती के जन्म के कारण उनकी आराधना की जाती है, और शारदीय नवरात्रों में महिषासुर का वध किया था, इसीलिए शारदीय नवरात्रों में 9 रूपों की आराधना की जाती है। एक दूसरा कारण ये भी है कि प्रभु श्री रामचंद्र शारदीय नवरात्रों में रावण का अंत करके आए थे, रावण पर विजय पाकर आए थे, इसलिए विजयादशमी भी मनाई जाती है। दोनों नवरात्रि समान है, दोनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि चैत्र नवरात्रों में दुर्गा ने 9 रूप धारण किए थे और शारदीय नवरात्रों में महिषासुर का वध किया था। आई होप आप सबको ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके मन में जो भी शंका थी उसका समाधान हुआ होगा। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। राधे राधे।